हेलो दोस्तों, राजदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एडमिशन फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज के लिए हम एडमिशन फॉर्म कैसे बनाएंगे। अगर आप ये बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो आज के इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने एमएस वर्ड के पेज पे, और ये हमने कुछ पेज ले लिया इस तरीके से। उसके बाद इसकी पेज को आपको क्या कर देना है, सेट कर लेना है, जिसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, पेज की साइज को डिसाइड कर लेंगे। यहाँ से हमने A4 ले लिया और मार्जिन हमने यहाँ पे कर लिया ए पॉइंट, ये नैरो वाला आपको स्लाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से आना है लोगो लेना है। लोगो लेने के लिए आपको पिक्चर में जाना है, जहां भी आपने लोगो रखा होगा वहां से अपने सिस्टम में से ले लेना है। जैसे मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पर लिया है, तो हमने कुछ इस तरीके से लोगो ले लिया, ठीक है। अगर ये लोगो आपका मूव नहीं होता है तो आपको जाना है पोजिशन में और फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जहां भी रखना चाहते हैं वहां पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप पहला नंबर लें जो डिजाइन आप यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे अपने ऑफिस कॉलेज या जिसका भी नाम होगा उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया राजदीप क्लासेस, अब इसको हमें जहां रखना है वहां रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसकी जो भी डिजाइनिंग रहेगी वो फ्रंट डिजाइनिंग आप चेंज कर लेंगे, जो आपको इसमें से अच्छी लगेगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एरियल ब्लैक और यहाँ से कुछ साइज इसकी छोटी कर लेते हैं, और यहाँ पे कहाँ रखना है इसको हम एरो की हेल्प से भी इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, आगे शेप में जाना है और यहाँ से आपको ये वाला शेप यूज कर लेना है और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद से आप क्या करेंगे, इसकी अंदर की जो कलर है उसको रिमूव करने के लिए शेप फिल में जाना है, नो फिल, आउटलाइनिंग यही रहने देंगे या फिर आप ब्लैक कर सकते हैं, तो हमने ब्लैक यहां से ले लिया। और इसमें हमें क्या लिखना है, ए प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज लिखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगेन वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहां से हम लिख लेते हैं इस तरीके से, लिख लिया। उसके बाद से इसके साइज को हम कर लेते हैं छोटा, जितना हम एडजस्ट कर सके, और इसको एरो की हेल्प से ऊपर हमने रख लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद से हम सबसे इसके नीचे हम एड्रेस लिख लेते हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें बार बार वर्ड आर्ट लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहां से हम अपने एड्रेस लिख लेते हैं, यहाँ पे हम अपने एड्रेस लिख लिया, इसको जहां भी हमें फिक्स करना है वहां पे हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा एरो की हेल्प से इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। फिर इसी को आपको क्या करना है, कॉपी देन पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको नीचे कर लीजिए और इसमें अपनी जो वेबसाइट होगी आपकी इंस्टीट्यूट की या फिर कॉलेज की, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे हमने एक साइज और छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छा से दिखेगा ये, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रख लिया, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें कि दो लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे शेप में आएंगे और यहाँ पे सीधी लाइन है आप लेंगे, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस किए रहेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे, माउस छोड़ेंगे देन शिफ्ट छोड़ेंगे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको बोल्ड हम थोड़ा सा चौड़ाई बड़ा कर लेते हैं, इसकी मोटा कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट कर लेंगे और इसकी चौड़ाई जो सेकंड नंबर वाली है इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे और यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म लिखने के लिए अगेन क्या करेंगे, राजदीप क्लासेस में से ही कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करें, यहाँ पे लिख लेते हैं एडमिशन फॉर्म। अब देखेंगे हमने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म लिख लिया, आप एक चीज काम करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट है ना, इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसमें से जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगे वो डिजाइन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपराजिता लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर लेते हैं और साइज एक साइज हम बड़ा कर लेते हैं, शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। ये हमारे लिख गया क्या, एडमिशन फॉर्म। अब आप क्या करेंगे कि नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, मदर नेम एंड फादर नेम लिखने के लिए अगेन इसी क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं देन पेस्ट कर लेंगे और इसमें हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। अब हमने लिख लिया और कहाँ पे एडजस्ट करना है, जहां भी रखना है वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लिया इसको। नेम ऑफ स्टूडेंट हमने लिख लिया, थोड़ा सा आउटलाइनिंग यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसी में हमें लिखना है इन ब्लॉक लेटर, इसके जस्ट नीचे, तो उसको भी लिख लेते हैं।
अब देखेंगे हमने लिख लिया, लेकिन इसकी साइज को हमें छोटा करना है, तो हम शॉर्टकट की हेल्प से हम इसको छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं, इसी कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, एक कर लिया, फिर हम एक और पेस्ट कर लेते हैं, यानी हमें टू चाहिए और, तो टू हमने ले लिया। और यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, कॉपी देन पेस्ट करना है। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मदर नेम लिखना है, तो इसके लिए हमने ले लिया है, तो लिख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने मदर नेम लिख लिया, फिर हमने ब्लॉक लेटर को उठाया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पास में कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, इसी को हमने मदर नेम को जो कॉलम था इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लेंगे। क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है फादर नेम, तो इसको भी हम यहाँ पे मिटाते हैं और यहाँ पे हम लिख लिया फादर नेम। फिर हम इस ब्लॉक लेटर को उठाया और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रख लिया। आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके से आप इधर उधर कर सकते हो, तो हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेने के बाद से क्या करना है आपको, कि यहाँ पे कॉलम बनानी है मदर फादर नेम लिखने के लिए। वैसे वर्ड आर्ट ले लोगे, लेने के बाद से आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी साइज, इसकी साइज को कम कर लेनी है, क्योंकि हम टेबल को छोटा तो बड़ा तो कर सकते हैं बट छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए हम पहले ही छोटा ले लेंगे। टेबल में जाना है और यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाना है और इस क्लिक करके और यहाँ से इसको छोटा कर लेना। देखो बड़ा कर सकते हैं बट छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें ले लिया। कहाँ भी फिट करना है, जहां भी फिट करना है वहां पे आप फिट इधर उधर एरो की हेल्प से आप कर सकते हो। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लिया। इसमें और सेल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके ऊपर जाओगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करते जाओगे तो इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब जहां भी एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया। इसी को हम कॉपी करते हैं देन पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उठा के रख लिया इसके जस्ट नीचे। किसके कॉलम के नीचे, हमें मदर नेम के नीचे रखना है, तो हमने मदर नेम के नीचे रख लिया। फिर कॉपी पेस्ट करना है और इसी को हम नीचे फादर नेम के नीचे रख लेंगे। है ना आसान, देखो कितनी आसानी से हमने इसको रख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे फॉर्म फोटो के लिए बनाना है, तो फिर इंसर्ट में जाएंगे, सेप्स में जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और यहाँ पे फोटो के लिए कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करें, कलर फिल नहीं करना, तो सेफ फिल में जाएंगे, नो फिल ले लेंगे। बॉर्डर को क्या करना है, ब्लैक करना है, तो हमने ब्लैक कर लिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायगोनल में फोटो लिखना है, तो इसमें से किसी एक लेटर को ले लो, कॉपी करो, पेस्ट कर लो, बाहर निकालो और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, फोटो। तो इस तरीके से फोटो लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ले जाना है। ले जाने के बाद से यहाँ पे जो एरो है इससे थोड़ा सा रोटेट कर लेने, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो कलर है ना, थोड़ा सा इसको क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे कुछ हल्के तरीके से इस तरीके से ले लेंगे। देखो कितना खूबसूरत हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें हम क्या लिखना है, अब डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर और कैटेगरी लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, फादर नेम में से ही क्या कर लेंगे, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको नीचे हम रख लेते हैं। ठीक, इसी में हम क्या कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप क्या करोगे, इसी में से लेके कॉपी कर लो और कॉपी करके पेस्ट कर लो। आप कहोगे कि इतना सारा में तो डेट ऑफ बर्थ लिखते नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इसमें क्या करोगे, जितना आपको चाहिए, टू ही कॉलम चाहिए ना डेट के लिए, तो आप क्या करोगे, ऐसे मोटे में एरो बनेगा, पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक करोगे, देन यहाँ पे कर लोगे डिलीट कॉलम, है ना टू। यहाँ पे देखो कितनी आसानी से हमारी होगा काम। इस तरीके से आप तीन बना लो, कॉपी किया पेस्ट कर लिया, इस तरीके से यहां भी हो गया। ठीक, उसके बाद से फिर क्या कर लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, फिर कुछ इस तरीके से हमने यहां भी कर लिया। लेकिन हमें ईयर के लिए फोर कॉलम चाहिए होता है, तो इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस ले लो, कुछ इस तरीके से। ठीक, देखो हमने किसने आसानी से हमने क्या कर लिया, एक और प्लस कर लो बीच में क्लिक करके, फोर हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमने बना लिया। अब कौन सा डेट के लिए होगा, कौन मंथ के लिए होगा, कौन ईयर के लिए होगा, इसके ऊपर हम जस्ट लिख लेते हैं। देखो हमने सबको क्या कर लिया, लिख के यहाँ पे उठा के हमने बहुत आसानी से रख लिया, इनके डेट के लिए, मंथ के लिए, देन ईयर के लिए। उसके बाद से एक कॉलम हमें बनानी है जेंडर के लिए, तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसमें जेंडर लिख लिया, तो जेंडर लिख लेते हैं। तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी के लिए फिर इसको क्या कर लेंगे हम, कॉपी, सेम स्टेप बाय स्टेप वही काम करनी है, कॉपी पेस्ट वाली आना चाहिए, तो यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमने कैटेगरी लिख लेते हैं। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा, उसके नीचे बॉक्स बनाया ना, सेम वैसे ही आप जेंडर के कैटेगरी के लिए भी बना सकते हैं। तो इसी में से हम क्या कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया, इसको जस्ट नीचे रख लिया, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें से सिंगल है, सिंगल सिंगल चाहिए, तो कॉपी करके हमने पेस्ट कर लिया और फिर जस्ट इसके नीचे लेके आ गए। तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, किस कौन कौन सी कैटेगरी होती है, जैसे मान लीजिए हमारी क्या होती है, जनरल होती है, तो हमने जनरल कर लिया, ठीक। फिर इसी कॉपी पेस्ट करके हम बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट करके ही इसको हमने बनाया है। इसके बाद से हम लिख देंगे कि फादर की ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने फादर की ऑक्यूपेशन इसी को जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जस्ट इसके नीचे लेना है और यहाँ पे लिखना है फादर ऑक्यूपेशन। लिखने के बाद से आपको क्या करना है, डॉट 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 कुछ इस तरीके से आपको बना लेनी है। तो आप देखो यहाँ पे हमने डॉट डॉट ले लिया है, रीच कर लो। फिर क्या करो कि अब हमें इसी टाइप में हमें मेलिंग एड्रेस भी चाहिए, तो इसी पूरे को कॉपी कर लो और पेस्ट करके जस्ट इसके नीचे एरो की हेल्प से भी ले सकते हो, ताकि आपकी की इधर उधर ना जाए, जो भी सेंटेंस है इधर उधर ना जाए। तो हमने कुछ इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एड्रेस, मेलिंग एड्रेस लिख लिया। डॉट डॉट थोड़ा सा कम है तो इंक्रीज कर लो। फिर इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद से फिर इसी को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे देन पेस्ट करके, और यहाँ पे आपको क्या ऐड कर लेना है, सिटी। तो इसको जस्ट हम नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे सिटी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। थोड़ा सा इसको और नीचे करना है तो नीचे कर लो, साइड में कर लो, ठीक है। फिर इसको हम कर लेंगे कॉपी देन पेस्ट, फिर इसको साइड में, यानी केवल आपको कॉपी पेस्ट करके ही अपने आपको हमें पूरी फॉर्म को क्रिएट कर लेनी है। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, तो हमें क्या करना है, इसको पूरा डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे जस्ट हम लिख लेंगे कॉन्टेक्ट नंबर। हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिया। उसके बाद से हमें क्या करनी है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के लिए एक बॉक्स में चाहिए, तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और साइड में यहाँ से हम ले लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, डिलीट करके साइज इसकी छोटी हम कर लेते हैं यहाँ से और डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट नंबर कितने नंबर की होती है, टेबल में जाके हमें 10 नंबर की होती है। तो यहाँ पे इंसर्ट बॉक्स में जाएंगे, कितने हमें चाहिए, हमें रो चाहिए हमें 1, तो 1 लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 चाहिए तो 10 देन ओके कर लेंगे। तो इस तरीके से 10 नंबर आ गया। और इसको छोटा करना है तो आप यहाँ पे पॉइंट पे जाओगे और इसको कर लोगे ऐसे छोटा, फिर कहाँ रखना है क्लिक करके और यहाँ पे आप रख लो। रखने के बाद से एडजस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, अपने अकॉर्डिंग आप जैसे चाहे वैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे कंटेक्ट मोबाइल नंबर 1 मोबाइल नंबर 2, यानी दो हमें लिखना होता है। तो इसी को फिर हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसके दूसरी साइड में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख लिया और 1 और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर 1 और 2 यानी दो नंबर हमें लेना नेसेसरी होता है, तो हमने ले लिया। उसके बाद से हमें क्या लेनी है, फॉर्म में फिर नीचे हमें लिखना है नेशनलिटी, तो उसे हम लिख लेते हैं। फिर इसी क्या कर लेंगे, कॉपी देन पेस्ट, नीचे रख लिया और यहाँ पे लिख लेंगे नेशनलिटी। इसमें भी हम डॉट डॉट लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से हमें इसके जस्ट साइड में लिख लेते हैं आधार नंबर, यानी आधार नंबर लेना भी जरूरी होता है। तो कॉन्टेक्ट नंबर को ही कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लो और फिर यहाँ पे साइड में उठा के यहाँ पे रख लो। रखने के बाद से यहाँ पे लिख लेंगे आधार नंबर। अब क्या होता है, आधार नंबर जो होती है 12 डिजिट की होती है, तो इसी को हम 10 ये बॉक्स था तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ से बॉक्स को कम ज्यादा करना हमें पता है, तो अब क्या करोगे, बीच में क्लिक कर लोगे, कहीं प्लस बनेगा, 2 times क्लिक कर लो, यानी यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। और इस बॉक्स को अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज भी इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम नेशनलिटी और आधार नंबर का भी बॉक्स हमने बना लिया। उसके बाद से हमें नीचे लिखना है क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल्स फिल करनी है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर को ही आपको कॉपी करके पेस्ट कर लो और जस्ट इसके नीचे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद से क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट कर लो और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बॉक्स बना लेनी है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है और कहाँ से और किस बोर्ड से है, तो उसके लिए हमें कॉलम बनानी है, तो उसको बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, हमें 7 कॉलम और 3 रो हमें चाहिए था तो हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एकेडमी या यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिख लिया। फिर टैब प्रेस करोगे दूसरे कॉलम में आ जाओगे, यहाँ पे लिख लोगे क्या, बोर्ड, तो यहाँ से हमने बोर्ड ले लिया। फिर टैब प्रेस कर लोगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर टैब, फिर ईयर, फिर टैब, अगेन टैब, टोटल मार्क, देन टैब
फिर यहाँ पे हमारी मार्क्स, टोटल मार्क्स में से कितना हमें मार्क्स गेन किया है उसे लिख लेंगे, और देन यहाँ पे हमने परसेंटेज। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमें हमारी जो एकेडमी और यूनिवर्सिटी का नाम होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, हमारे सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और ईयर को भी थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स परसेंटेज कुछ इस तरीके से हमने बना लिया इसको, ठीक है। सबको सेंटर में करना है, सबको सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ही, तो उसको शॉर्टकट की से हम कर लेते हैं और कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, और बार बार हमें ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। तो ये हमारी एकेडमी, बोर्ड, सब्जेक्ट, ईयर, टोटल मार्क्स, मार्क्स और हमारी परसेंटेज हो गई, ओके। उसके बाद से नीचे हम लिख लेंगे कि क्या पहले से कोई क्वालिफिकेशन है, तो कहीं से भी हम एक टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और उसको लेके नीचे आ जाएंगे। यानी हम यहाँ पे ये फील करेंगे कि क्या पहले से कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या नहीं, उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लिया। अगर स्टूडेंट के पास जो एडमिशन लेने आ रहे हैं उनके पास है कि नहीं है वो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से होता है तो ये अपनी बॉक्स को इंक्रीज कर लेंगे और इसको हमें सेंटर में आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ये आपकी फिट हो जाएगी। फिर इसी क्या कर लेंगे, आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, और यहाँ पे हम ये लिखना है कि स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए आया है वो किस कोर्स में एडमिशन ले रहा है, और वो जो कोर्स है ना कितने टाइमिंग की है, तो यहाँ पे हमने उसको लिख लिया। यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम ऑफ कोर्स, फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे डॉट डॉट लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या ड्यूरेशन लिख लेंगे, और उसका किस डेट में एडमिशन हुआ है और किस प्लेस पे हुआ है और उसकी सिग्नेचर, ये हम कॉलम एक बना लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन लिख लिया है, अब इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट लें और थोड़ा सा डिजाइनिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ से एक डिजाइन वाली शेप ले लेते हैं और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव और सुंदर सा दिखाना है, तो कुछ इस तरीके से ले लिया। ये हार्ड हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि इस शेप को क्या करेंगे, कलर को हम क्या कर लेंगे ब्लैक ले लेते हैं, और इसके आउटलाइनिंग को भी ब्लैक ले लेते हैं, और इस शेप को हम पीछे करने के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे जो ही क्लिक करोगे तो ये आपकी बैक में सेंड टू बैक पे क्लिक करोगे तो ये चला गया, ठीक है। लेकिन हमारे टेक्स्ट भी ब्लैक है और हमारे सेप भी ब्लैक है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे अपने टेक्स्ट को व्हाइट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले ही टेक्स्ट को व्हाइट कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट थी और टेक्स्ट भी व्हाइट, तो पता नहीं चलता इसलिए हमने नहीं किया। दोनों में से कोई भी काम पहले कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्लेस और हमें डेट लिखनी है और सिग्नेचर लिखना है, तो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्लेस लिख लिया, डेट लिख लिया, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया। अब देखेंगे पूरी फॉर्म को, तो यहाँ से हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से आपके पूरी फॉर्म को दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा पूरा एक एडमिशन का फॉर्म बनना बिल्कुल रेडी हो गया है, और इस तरीके से आप केवल कॉपी पेस्ट ही करना था और कुछ काम करना नहीं था, ठीक है। इसको प्रिंट करके हम देखते हैं कैसे दिखेगा, तो कंट्रोल के साथ पी आप प्रेस करोगे और कुछ इस तरीके से आपकी ये फॉर्म बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। प्रिंट करना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, या चाहो तो इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सपोर्ट में जाओगे और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ में क्लिक करेंगे, और जिस भी नाम से इसको सेव करना चाहते हो, मान लो हम डेस्कटॉप पे इसमें अकेडमी नाम से हम सेव करना चाहते हो, और यहाँ से कर लो पब्लिश। यही पब्लिश करोगे तो ये पीडीएफ में प्रिंट हो, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो। इसको दिखाते हैं आपको, देखो हमने एकेडमी नाम से सेव किया था, पीडीएफ में था, देखो कैसे दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसको आप प्रिंट करोगे, कंट्रोल पी जही प्रेस करोगे तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, देखो इस तरीके से आपकी फॉर्म बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो है ना आसान तरीका एडमिशन फॉर्म बनाने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।